गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर द एनिमी फ्रॉम विस्टास एंड द चैप्टर नंबर इज 4. इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव टॉट अबाउट द चैप्टर दैट हेयर इज द कैरेक्टर ऑफ सदाओ सदाओ हु इज अ जैपनीज डॉक्टर एंड हिज वाइफ हाना व्हेन दे वर स्पेंड सम लेजर टाइम इन देयर वरांडा बिकॉज देयर हाउस इज सिचुएटेड नियर द ओशन. सडनली दे सा दैट समथिंग इज That is struck out from the ocean by the waves. तो जब वो उसको वॉच करते हैं then coming out from the wave, it was a body of the war prisoner who belonged to America because it's a story of the Second World War. In the Second World War, Japan and America, they both were fighting against each other. So here, who was the war prisoner and came aside the war. तो Hana and Sadao, they both were confused. The prisoner who was who is that man and it is bleeding very badly. Sadao जो है उसको first treatment देने के लिए sea moss को squeeze करके उस injured part पर वहाँ लगाता है जहाँ से बहुत bleeding हो रही थी. और उसके बाद now I'm starting page 28 and the second paragraph. Now that the bleeding was stopped for the movement, he stood up and dusted the sand from his hands. Yes, undoubtedly that would be best, Hana said steadily, but she continued to stare down at the motionless man. If we sheltered a white man in our house, we should be arrested. If we turned him over as a prisoner, he would certainly die, Sadao said. तो क्योंकि वो एक war prisoner है, एक American है, तो दोनों बहुत confused हैं कि एक तो बहुत ज़्यादा injured है, उसको या तो वापस पानी में डाल दिया जाए. Surely he will be die. The kindest thing would be to put him back into the sea, Hana said, but neither of them moved. They were staring with a curious repulsion upon the inert figure. Curious repulsion. क्योंकि दोनों जब उसको चाहते थे कि वापस पानी में डाल दें, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाया. What is he? Hana whispered. There is something about him that looks American, Sadao said. He took up the battered cap. Yes, they are almost gone. Was the faint lettering a sailor, he said, from an American warship. He spelled it out US Navy. उस वॉर प्रिजनर ने जो कैप पहनी हुई थी उस पर लिखा था US Navy. इससे साफ पता चलता था कि वो एक सेलर है जो वॉरशिप या बैटल फील्ड से आया है. द मैन वॉज अ वॉर प्रिजनर या प्रिजनर ऑफ वॉर. ही हैज स्केप, हाना क्राइड सॉफ्टली. What is why it's wanted in the back, Sadao agreed. They hesitated, looking at each other. Then Hana said with resolution, come, are we able to put him back into the sea? Because Hana नहीं चाहती कि Sadao कुछ भी उसका जो है उसके बारे में सोचे. वो उनका दुश्मन है, enemy है, तो वो suggest करती है कि वापस इसको पानी में डाल दिया जाए. तो Sadao कहता है, if I am able, are you? कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या तुम ऐसा करोगी, मेरा साथ दोगी? नो, हाना सेड, इफ़ यू कैन डू इट अलोन. सदाओ हेजिटेटेड अगेन. द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सेड, दैट इफ द मैन वर होल. वर होल मीन्स होल. द वर्ड हेयर मीन्स होल मीन्स द मैन इज completely healthy. कि अगर ये वॉर प्रिजनर कम्प्लीटली हेल्दी होता, कम्प्लीटली फिट होता, तो इसको हम श्योरली जो है टर्न वापस कर देते, पुलिस को इसको हैंड ओवर कर देते. आई केयर नथिंग फॉर हिम, ही इज़ माई एनिमी. ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो. यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, बट सिंस ही इज़ वॉन्टेड. कितना उसका चेहरा जो है बहुत ही इनोसेंट और मासूम लग रहा था, क्योंकि वो ऑलरेडी इंजर्ड था, बिल्कुल हेल्पलेस था और बहुत ज़्यादा घायल था. दोनों बहुत उसको देखकर बहुत ज़्यादा फील करते, इमोशन फील करते हैं. यू ऑल्सो कांट थ्रो हिम बैक टू सी, हाना सेड. देन देयर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी हिम टू हिज हाउस. बट द सर्वेंट, सदाओ इंक्वायर्ड, वी मस्ट सिंपली टेल हिम that we intend to give him to the police, as indeed we must, Sadao. We must think of children and your position.
it would endanger all of us if we did not give him over a prisoner of war. क्योंकि वो एक war prisoner है और अगर इसको हमने shelter दिया, अपने घर में इसको रखा, तो surely जो है उनका life, उसका जो license है as a doctor, वो खतरे में पड़ जाएगा. उनकी family, उनके बच्चे, उन सब की जो life है वो spoil हो जाएगी और जो घर में servants हैं वो complain कर सकते हैं. Thus agreed together, they lifted the man. He was very light like a fall. He is very light like a fall. It means a bird. कि वो एक bird के जैसे बहुत ही हल्का सा, that had been half starved for a long time until it is only feather and skeleton. कि वो शायद बहुत time से उसने कुछ खाया नहीं है, उसकी body जो है वो बहुत light weighted हो गई थी. So his arm hanging, they carried him up the steps and into side door of the house. This door opened into a passage. Down the passage they carried the man towards an empty bedroom. दोनों ने उसको उठाया और दोनों उसको बहुत carefully अपने घर की तरफ ले गए, जहाँ पे उन्होंने उसको shelter दिया, उसको रखा अपने सदाओ ने अपने father के bedroom में. The bedroom of Sadao's father, since his father's death, it had not been used. They laid the man on the deeply matted floor. Deeply matted, उस पर बहुत ही खूबसूरत कारपेट बिछाया गया था, matted floor था. Everything here had been Japanese to please the old man. और हर चीज़ उस कमरे में old Japanese तरीके से सजाई गई थी. Everything was completely Japanese that represent the tradition of Japan. Because Sadao's father जो है हम पढ़ चुके already, वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे इन सब चीज़ों में. ही वॉज द प्योर, ही वॉज द मैन हु बिलीव इन प्योर रेसिसिज्म. सो हाना वेंट टू द हॉल कबर्ड एंड स्लिड बैक अ डोर एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट. हाना उसके लिए एक क्विल्ट, एक रजाई निकाल लाई. शी हेजिटेटेड. द क्विल्ट वॉज कवर्ड विद फ्लैट सिल्क एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क. ही इज़ सो डर्टी, शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस. वो क्या कहती है कि ये बहुत गंदा है. यस ही हैड बेटर टू बी वॉश. सदाव एग्रीड, इफ़ यू विद फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम. कि अगर तुम गर्म पानी ले आती हो तो मैं उसको वॉश कर दूँ. आई कॉन्ट बेयर फॉर यू टू टच हिम, शी सेड. वी शेल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हेयर. आई विल टेल यू मी नाउ. शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश. Yumi, who is Yumi? Yumi is the caretaker of Sadao's children. Sadao's considered a moment. Let it be so. He agreed. You tell Yumi and I will tell others. But the utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. तो उसने जो है उस war prisoner को झुककर पहले उसकी pulse को check किया. It was faint, but it was there. Pulse बहुत धीमे चल रही थी, but still ये चल रही थी. He put his hand against the man's cold breast. Heart who was yet alive. उसकी हार्ट बीट को चेक किया जो चल रही थी. It means the man was alive. He will die unless he is operated on. Sadao said, considering the question is whether he will not die. Anyway, Hana cried out in fear. Don't try to save him. What if he should live? Hana कहती है कि तू बचाने की कोशिश क्यों करते हो? उसको नहीं जीना चाहिए. What if he should die? सदाओ रिप्लाइड. सदाओ कहता है कि उसको मरना क्यों चाहिए. ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन. दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी विटैलिटी. एक्स्ट्राऑर्डिनरी विटैलिटी मीन्स कि उसके अंदर विल पावर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इतना इंजर्ड, इतना घायल होने के बाद भी वो इतने समय से वो भूखा है और पता नहीं कब से वो ऑशन में ऐसे रोल कर रहा था, वो फिर भी जिंदा है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली एक्स्ट्राऑर्डिनरी विल पावर. और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ. Then he was very young, perhaps not yet 25. बहुत उसकी जो एज वो जज करते हैं उसके फेस के अकॉर्डिंग, इट वॉज अबाउट 25. यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, हाना आस्क. यस, सदाओ सेड. तो पूछती है क्या ऑपरेशन से भी इसकी डेथ हो सकती है. सदाओ को लगा शायद ऐसा हो सकता है. हाना कंसिडर दिस डाउटफुली एंड वेन शी डिड नॉट आंसर सदाओ स्टर्नड अवे. एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, ही सेड. But Sadao was very determined because he was a professional, he was a doctor and as a surgeon also.
सो उसको लग रहा था कि एज अ डॉक्टर उसको सिखाया जाता है कि उसके लिए एवरी ह्यूमन बीइंग इज जस्ट अ पेशेंट, नथिंग एल्स, कोई दुश्मन नहीं है उसका, तो उसको ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इफ़ ही कैन सेव एनीवनस लाइफ ही मस्ट डू इट. तो उसने ऐसा ही किया, वो उसको बचाना चाहता था. शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन. ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका. नाउ ही सीम टू हैव नथिंग टू डू विद दोज हुम शी हैड नॉन डियर. हेयर ही वॉज हर एनिमी, अ मीनेंस लिविंग और डेथ. वो पहले भी अमेरिकन्स को जानते हैं, उनसे मिल चुके, क्योंकि अमेरिका में उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया था अपने स्टडीज़ के टाइम पे. लेकिन अभी जो ये आदमी है उनके सामने, ये सिर्फ उनका एनिमी है, चाहे वो ज़िंदा हो या मर जाए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल यूमी. नर्सरी इज़ अ स्पेशल रूम फॉर द चिल्ड्रन इन सदाउज होम. तो नर्सरी में जाकर उसको कॉल किया हाना ने, यूमी. बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस. शी हैड टू गो इन अ मोमेंट एंड स्माइल एट देम, प्ले विद द बेबी बॉय नाउ नियरली 3 months ओल्ड. ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशन विद हर माउथ, यूमी कम विद मी, आई विल पुट द बेबी टू बेड. यूमी रिप्लाइड ही इज रेडी. शी वेंट विद यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी, स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट ऑन द फ्लोर, लेड द बेबी बिटवीन देम. यूमी इज़ रियली वेरी क्लोज टू सदाउस चिल्ड्रेन एंड शी इज़ रियली अ गुड केयर टेकर. वो बच्चों को बहुत ही हार्टली उनको लव करती है. वो सिर्फ उसको एक ड्यूटी नहीं लेती, बल्कि शी जस्ट कंसिडर द चिल्ड्रन ऑफ सदाओ एज हर ऑन चिल्ड्रेन. देन हाना, उसने बहुत केयरफुली बच्चे को जो है लिटाया. देन हाना लेट द वे क्विकली सॉफ्टली टू किचन. टू सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट वॉट दियर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड. अब सर्वेंट्स के बीच र्यूमर्स शुरू हो चुके थे कि उनके मास्टर ने जो किया वो नहीं करना चाहिए था. द ओल्ड गार्डनर हु वॉज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप. जो एक बूढ़ा गार्डनर उसके फादर के टाइम से वहाँ सर्विस कर रहा था, वो इस बात से बहुत नाराज था कि उसके मालिक के बेटे ने जो किया उसको नहीं करना चाहिए था. द मास्टर ऑट नॉट टू हील द वॉन्ड ऑफ हिज वाइट मैन, ही सेड ब्लंटली टू हाना. और वो अब सब इस बात के बहुत अगेंस्ट थे कि जो उनका मास्टर करने जा रहा है, उसको ऑपरेट करने जा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है, कम्प्लीटली रॉन्ग. द वाइट मैन ऑट टू डाई. फर्स्ट ही वॉज शॉट, देन सी कॉट हिम. वो बहुत सुपरस्टिशियस भी हैं, तो बिकॉज ऑफ सुपरस्टिशन वो क्या कहता है कि पहले उसे गोली लगी, फिर सेम उसी इंजर्ड प्लेस पे चट्टान से वो टकराया जहाँ ब्लीडिंग स्टार्ट हुई. और अब इफ़ द मास्टर हील्स व्हाट द गन डिड, वॉट द सी डिड, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस. और अगर उनके मास्टर ने उसको बचाने की कोशिश की नेचर के अगेंस्ट जाकर, तो नेचर जो है ज़रूर उनसे रिवेंज लेगी. आई विल टेल हिम वॉट यू से, हाना रिप्लाइड कर्टसली, बट शी हर सेल्फ वॉज सो ऑल्सो फ्राइटेंड. हाना जो उस समय बहुत डरी हुई थी, शी हैज़ नो रिप्लाई, उसको क्या कहना चाहिए इस सिचुएशन में. ऑल दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस, द ओल्ड मैन वॉज, कुड इट बी एवर वेल टू हेल्प एन एनिमी. नेवर लेस ही टोल्ड यूमी टू फैच द हॉट वाटर एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉज. उसने यूमी से गर्म पानी लेने के लिए कहा जहाँ पर वो जो है घायल इंसान था. शी वेंट अहेड एंड स्लिड बैक द पार्टीशन. सदाउज वॉज नॉट येट देयर. यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट. देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन. शी सा हिम, हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्फ इन टू स्टबननेस. आई हैव नेवर वॉश अ वाइट मैन, शी सेड, आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अवर नाउ. यूमी ने उस वाइट मैन को क्लीन करने से बिल्कुल मना कर दिया. हाना क्राइड एट सेवरली, यू विल डू वॉट योर मास्टर कमांड्स. हाना ने गुस्से में कहा, वही करो जो तुम्हारे मास्टर ने कहा. देर वॉज नो फायर सा लुक ऑफ रेसिस्टेंस, एंड रेसिस्टेंस मीन्स रेफ्यूजल अपॉन यूमीज राउंड डल फेस. हाना फेल्ट अनरीजनेबली एफरेट. आफ्टर ऑल इफ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट something that was not as it happened, very well, she said with dignity, you understand, we only want to bring him to sense so that we can turn him over a prisoner. तो हाना ने बहुत clarifications के साथ क्या कहा कि हम कोई उसको बचाना नहीं चाहते, सिर्फ इतना कि वो वापस जो है ठीक हो जाए ताकि हम उसको पुलिस को हैंड ओवर कर सकें. इज दिस द रीज़न दैट सदाओ वॉन्ट टू ऑपरेट दैट मैन. उसने क्लैरिफिकेशन दिया जो बिल्कुल यूजलेस था, बिकॉज सर्वेंट इन द नो सर्वेंट इन द हाउस वॉज रेडी टू गेट द ट्रीटमेंट फॉर दैट.
Then please Hannah gently returned to the own work. At once Yumi left the room, but this left Hannah with white man alone. She might have been too afraid to say. Hannah उसके साथ अकेले रूम में रहना नहीं चाहती थी. And then stupid Yumi, she muttered fiercely, is this anything but a man? क्यों डर रही है इससे, ये तो एक आदमी है, वो भी helpless है. The wounded helpless man. In the conviction of her own superiority, she bent impulsively, untied the knotted rug. Rug मतलब जो फटे हुए कपड़े उसकी बॉडी पर थे उसको उसने अलग किया. She kept the white man covered and she had his breast bare, the dip, the small clean towel. And then Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. The man's skin, though rough with exposures, was of fine texture. Must have been very blonde with the when he was a child. तो उसने उसके फेस को क्लीन किया, उसके अपर बॉडी को क्लीन किया. While she was thinking these thoughts, thought not really liking the man better now that he was no longer a child, she kept on washing him until this upper body was quite clean. But she dared not turn him over. Where was Sadao? Now her anger was ebbing and she was nauseous again. She rose and wiping her hands on the wrong towel, then lest the man be chilled, she put the quilt over him. तो उसने गुस्से में सदाओ को आवाज़ लगाई और उसको वापस रजाई से ढक दिया क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी. स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ द पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो प्लीज़ रिवाइज एवरीथिंग आई हैव टॉट टुडे टू यू.